fame and glamour to endure among the survivors as an equal. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का अपना गेम प्ले, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देख लिया है, डेड बाय डेलाइट मोबाइल है। तो भाई साहब, आज फिर से हमने हिम्मत करके कोशिश की है कि आज 5 जनरेटर्स को रिपेयर किया जाए और यहां से तितर हो जाया जाए और आज फिर हम सर्वाइवर ही खेलेंगे। भाई साहब, हमें सर्वाइवर मोड ही खेलना है। तो ये टीम आ चुकी है, बिल्कुल मेरे जैसी नूब टीम है, एक नंबर की। पता नहीं अब ये कैसा ट्रीट करेंगे जाके गेम प्ले में। बस मुझे हील कर देना तो मैं यहाँ से ले जाऊँगा, एस्केप करवा दूँगा और किलर से भी बचा दूँगा। लेकिन उससे पहले बात ये है कि किलर से बचना बहुत ही मुश्किल है। अब लग जाए यार, वेटिंग जो कि 7, 6, 5 लगने वाला है मैच अपना, तो जल्दी के साथ ये मैच लगता है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को डेड बाय डेलाइट के गेम प्ले और देखने हो। तो भाई साहब, इफ यू वांट इंटरेस्टेड टू वॉच डेड बाय डेलाइट, जस्ट कमेंट, आई विल अपलोड मोर। ओके, जल्दी से लोडिंग हो जा। अबे कितनी देर लेगी तू। एक तो ये लोडिंग्स ने मेरा जीना हराम किया हुआ है फुल टाइम, यही जानी छोड़ती मेरी। पता नहीं सारी जिंदगी का मेरी जिंदगी झंड की हुई है। अबे हो जा अपाहिज कहीं। ओके गाइस, हो गई, यस लेट्स बिगिन। अपना गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है। ओके, ये है लैम्पकिन लेन में, आगे हैं हेड ऑन फील्ड में, हेड ऑन फील्ड। ओके, ये घर के अंदर हम जा रहे हैं। ओके, बेहतरीन है। ओ, एक बंदा डिजर्ट। ओ किला क्या, छुप जाओ। हम अलमारी के अंदर छुप रहे हैं गाइस, ताकि उसको हमारा पता ना चले, आके ढूंढता रहे कि वो बंदा कहाँ पे क्या। तो गाइस ये एक अच्छी ट्रिक है, अगर किलर आसपास हो, आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा हो जैसा कि मेरा बाहर आने वाला थी, तो भाई जान घुस जाओ अलमारी के अंदर और बस देखो कि ये जाए तो फिर निकलूँ। ओके, वो चला गया तो निकलते हैं बाहर, चलते हैं जाके करते हैं अपने जनरेटर वाला काम शुरू। पहले जनरेटर ढूंढ ले, जनरेटर कहाँ पे है। ओए जनरेटर, वो चलो जी, दो बंदे पहले घुटनों पे आए हुए हैं, बेहतरीन। जहाँ क्या खेला जाए, दिल धड़कना अपना भी शुरू हो गया है। भाई साहब दिल धड़क रहा है अपना। ओके, इधर चुप के बैठ जाता हूँ, ना हिलोगे ना को बस होगी और ये चला जाएगा। ओके, वो चला गया, चला गया। हम आराम आराम से चलते हैं, जाके करते हैं अपना बेहतरीन किस्म का निज़ाम और जाके करते हैं अपना जनरेटर रिपेयर। जल्दी के साथ बैठ जाते हैं, इन केस अगर वो आ गया तो भाई पेल देगा पकड़ के। एक बंदा तुम्हारा लेटा हुआ है, हेल्प कर रहा है और दूसरा इंजर्ड है। मैं यहाँ जल्दी के साथ रिपेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने ही रिपेयर करना है यार, ये नहीं रिपेयर कर पाएंगे, इनका काम नहीं है, ये मैंने ही रिपेयर करना है। 5 जनरेटर रिपेयर करने हैं। आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकता है। 5 जनरेटर को वी हैव टू रिपेयर 5 जनरेटर्स टू एस्केप, अदरवाइज वी गोना बी अ प्रिजनर ऑफ द किलर एंड ही विल किल अस। दिस इज द थीम ऑफ दिस गेम प्ले। ओके, आ गया। ओके, पास आ रहा है भाई, पास आ रहा है कहीं पे, कहीं पे। ओ भाई मेरा दिल गया, मेरा दिल गया। चुप करके यहाँ पे खड़े हो जाता हूँ, चुप करके। इसको कौन सा पता चलेगा, आराम से उसको नहीं पता। इधर बैठ जाते हैं, चला गया। अबे नहीं, उसने देख लिया भाई जान, एक खंजर उसने टपा दिया अपन को भी। भागो भाई, एक खंजर हमें पेल गया। ओ एक ही लेटा हुआ है। हाँ भाई तू तो उठ जा, मैं चलो इसको गाड़ी उठा देते हैं। ओ ये उठ गया, मुझे हील करेगा, मैं गिर गया हूँ, अब मुझे हील कर रहा है। बेहतरीन भाई, बेहतरीन, सही जा रहे हो। मैंने इसको उठाया, ये मुझे उठाएगा और ये हमारा चलता रहेगा, बस जो मर्जी हो जाए। हाँ ठीक है, जल्दी से मुझे कर। ओ भाई साहब मेरी स्क्रीन पे लाल लाल छींटे आ गए, खून उल रहा है मेरा। अबे दिल धड़केगा तो भागना पड़ेगा। बीइंग हील्ड बाई DZRT, थैंक यू DZRT ब्रदर, यू आर हीलिंग मी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ओके दिल धड़क रहा है, भाग, छोड़ दे मुझे। ओए मुझे छोड़ दे, तू मारा जाएगा, मैंने उसके बच्चे, तू भी क्या तो मैं भी जाऊँगा। अबे भाग। ओके ये नहीं भाग रहा और ये कह रहा है कि यहाँ पे हील शील करवा ले फिर आके जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कर ही दे मुझे, दिल धड़क तो रहा है। ओके आ गया, भागो भैंस। मैं गया, मैंने बोला था तुझे यहाँ से निकल जा भैंस की डंडी, मुझे भी मरवाया तूने। अच्छा खासा गाइस मैं
बकवास कर रहा था कि भाई मुझे छोड़ के दफा हो जा, दोनों इंजर्ड ही रहते हैं, कहीं कोना पकड़ के जाके एक दूसरे को रिवाइव कर देंगे, हील कर देंगे। लेकिन ये नहीं माना, इसने कहा नहीं इधर ही बैठा रहा, बैठा रहा यहाँ पे, मन होश की औलाद ना हो तो मरवा दिया फ्री में। अब चारों घुटनों पर आए हुए हैं, अब किसी एक के पास किट होगी तो वो ही उठ सकता है, वैसे कोई नहीं उठ सकता। अब किट देखो किसके पास है, मेरे पास तो नहीं है भाई, मुझसे ना उम्मीद रखियो कि मेरे पास किट हो, मेरे पास कोई किट नहीं है। तुम्हारे पास किट होगी तुम उठ जाओ, आके मुझे बचा लो, मैं तो नहीं कुछ कर सकता। तो खैर मैं सेल्फ हील कर लेता हूँ, फिर आके मुझे कोई हाथ रख देगा। ओके ठीक है, सेल्फ हील होने वाला है अपना, ओके सेल्फ हील हो गया अपना, इतना ही हम कर सकते हैं। अब कोई आके हेल्प करेगा हमारी, हाथ रखेगा तो हम उठेंगे, वैसे नहीं उठ सकते। अबे कोई उठ जा, अबे नूब के बच्चों। ओके वो गाइस उसने उठा लिया, गाइज उसने उठा लिया, उसने कुछ सेल्फ मेडिकेट रखी हुई थी अपने पास, उसने उससे अपने आप को उठा लिया और उसने मुझे भी उठा लिया। बेहतरीन, मुझे हील करते जल्दी के साथ। ओके किलर आ रहा फिर से भाई जान, किलर आ रहा फिर से, मुझे छोड़ दे मुझे। अच्छा चल कर ही दे हील, भाग नहीं, मैंने बोला था निकलना पड़ेगा। गाइज हम जा रहे हैं यहाँ से भाई, उसको मैं बचाने की कोशिश कर सकता हूँ। वो सामने लेटे हुए दो बंदे, ओ उसने उठा लिया, किलर उधर ही है, इधर चुप करके खड़े हो। हाँ भाई इधर हाथ रख दे, वो सामने उनके साथ बिजी है, वो मार रहा है उसे भाई, उससे वो फांसी घाट पे चढ़ा के उसे मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। तो मैं तो हील हो चुका हूँ, मैं इस भाई को भी हील कर देता हूँ, डीजी आरटी को। वो देखो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो पेली जा रहा है, बंदे को पेली जा रहा है। हाँ हाँ तू पेली जा, हम तब तक खुद को हील कर लेते हैं यार, फिर पूरी पापा के साथ जनरेटर को जाकर मैं रिपेयर करूँ। ये ले भाई तू तो हील हो जा, तेरी ऐसी की तैसी, तू निकल चल। दोनों भाई हम शेर हैं, हम ही जाएंगे यहाँ पे, वो बेचारे मर गए हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, हम उनको भी अपने साथ लेके जाएंगे, एस्केप करवाएंगे, उनको रिवार्ड शेयर करेंगे हम भी। पहले हम जनरेटर को रिपेयर कर लें जल्दी के साथ, वो तो मर ही गए हैं बेचारे। तो गाइस आधा जनरेटर मैं रिपेयर करके चला गया था, अब बैठ गए दोबारा अपने जनरेटर के ऊपर और देखते हैं ये कब तक हो जाता है। जल्दी से हो जा जनरेटर मेरे रिपेयर, किलर फिर ना आ जाए, किलर फिर ना आ जाए। यार ये किलर बड़ा अजीब किस्म का बंदा है यार, ये तो स्टार्टिंग में पहला शुरू हो गया, अभी एक जनरेटर भी अपने रिपेयर नहीं किया, लानत है। और वो पहली जा रहा है, हमें पहली जा रहा है। खैर मैं ये जनरेटर को रिपेयर कर ही दूंगा गाइस, एक जनरेटर तो हम रिपेयर कर देंगे, एक से ज़्यादा मुझसे नहीं, मुझे नहीं लगता कर पाएंगे, क्योंकि दो बंदे हमारे मर चुके हैं, कोई उनको जो किलर साहब हैं उनको भी कोई नहीं चकमा दे सकता, तो हम ही बचे हैं। ओके आ गया किलर, गाइस किलर आ रहा है, ओके उसके पीछे पड़ा हुआ है, अपनी जान छूटी हुई है, उसके पीछे ही पड़ा हुआ है भाई जान। एक तो मैंने जनरेटर कर दिया रिपेयर और भाग मेरे पीछे आ गया भाई जान, मेरे पीछे आ गया, अब क्या होगा। हाँ हाँ मेरे पीछे आ जा, आ जा आ जा, तू भी भाग, मैं भी भागता हूँ, देखते कहाँ तक जाते हैं। ओके ओके ओ इधर जा गया, चल 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 ओ इधर यार, ये खेल रहा है मेरे साथ। ओके गाइस ये खेल रहा है मेरे साथ, तेरी भैंस की डंडी। मैं भी रुक गया हूँ बेटे, अब मैं भी तेरी मूवमेंट के साथ मूवमेंट दूंगा। आ जा आ जा आ ना, आ जा तू इधर से आ जा। निकलो। वो यार ये मुझे समझ नहीं आई, मैं इस तरफ था, बीच में हमारी एक हर्डल थी, ये मुझे कैसे पेल गया वहां से, वो इधर से आ गया। कहानी खत्म हो गई गाइस अपनी, गाइस अपनी कहानी खत्म हो गई है, ये कुछ छुरा पेलेगा और हम खत्म हो जाएंगे। मैं घर के अंदर घुस जाता हूँ, आ रहा बेटे फिर आज मैं ना पकड़ कढ़ाई खिलाता हूँ। आ जा आ रहा मेरे पीछे, आ जा आ जा आ जा आ जा। तो भाई कोई रास्ता दे दो, कोई ऊपर जाने का रास्ता बता दो, किधर है। ओके इधर चलते हैं, ओके इधर से। हेलो हेलो भाई, ये मार ही भाई, ये मुझे ट्रोल कर रहा है। ओ भाई साहब ये ट्रोल कर रहा है, मुझे पेल नहीं रहा, क्या खतरनाक बंदा है यार। ओके जंप कर जाते हैं, जंप नीचे नहीं आएगा, जान छूटेगी। ओके ओए नीचे भी आ गया भाई, गाइस हम हार चुके हैं गाइस, ये मुझे ट्रोल, लिटरली मुझे ट्रोल कर रहा है कि मुझे मार नहीं रहा, सिर्फ भाग रहा है मेरे साथ के। भाई इसको भगा के मारूंगा भाई, ये मुझे भगा के मार, ये देखो ये मार ही नहीं रहा भाई मुझे, इतनी देर में तो अगला पेल के चला जाए, जो मुझे हड्डल के बीच में से मार सकता है इधर नहीं मार सकता क्या। भाई साहब ये भाई क्या खतरनाक किस्म का बंदा आ गया, ये देखो मेरे साथ भाग रहा, सिर्फ मार नहीं रहा मुझे भाई यार, ट्रोलिंग नेक्स्ट लेवल हो रही है मेरे साथ यार, क्या नूब बना दिया मुझे इसने। हाँ भाई पता चल गया मुझे, तू मेरे साथ खेल रहा है भाई, मार दे भाई। अब भाई मुझे मार ही दे। ओके हैच भी कह रहे हैं ओपन होने वाला है, हो गया है पता नहीं, जनरेटर हमने रिपेयर किए नहीं है, दो जनरेटर रिपेयर किए अभी तक, तीन पड़े हुए हैं। मार दे यार, मार दे भाई, मार दे, प्लीज़ मार दे।
हाँ मुझे पता था ये मार सकता, जानबूझ के नहीं मार रहा। गाइस ट्रोलिंग नेक्स्ट लेवल अपने साथ हो चुकी, किलर प्रैंक कर चुका है हमारे साथ। वो पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया है यार, मेरी वीडियो बना ली होगी उसने, मैं भाग भाग पागल हो गया हूँ और सिर्फ वो मेरे साथ भाग रहा है। उसने मुझे मारा नहीं, मुझे ट्रोल किए गया और मैं समझता रहा हूँ कि मैं उसे चकमा दे रहा हूँ। ऐसे हो सकता है भला कि वो मेरे साथ चल रहा है और मुझे मार नहीं रहा? तो इसका क्या मतलब है भाई कि वो मुझे मार सकता है, इजीली मार सकता है? आई वाज अ फ्री चिकन फॉर हिम। यार क्या बकवास है यार गाइस, आई तो स्केप नामुमकिन है। नेक्स्ट लेवल बंदा आया, एक नेक्स्ट लेवल प्रो किलर आया है। तो ये देखो तीन उबड़े, बेसिकली तीन नूबड़ों को चाहिए कि ये दो तीन जनरेटर को रिपेयर करें और एस्केप कर जाएं, लेकिन मुझे पता ये नहीं कर पाएंगे। किलर खुद इनको मौके दे रहा है, वो चाहता हर एक को फांसी घाट पे चढ़ाता और मार सकता था। उसने कहा कि ये रिवाइव ले लो, मैं तुम्हारे साथ ट्रोल कर रहा हूँ, ट्रोलिंग नेक्स्ट लेवल हो रही है। ओके मैं इनको कह रहा हूँ कि भाई आके मुझे बचा लो, द किलर हैज़ अ न्यू टारगेट, मुझे बचा लो, पर नहीं, उनके कानों पे जूं तक नहीं रिंग रही, पर मर रहे हैं सारे। क्या ही बोलूँ मैं इसको भाई, क्या ही बोलूँ, कैसे यार, कैसे जाऊँ मैं? मुझे तो ये रिवाइव भी नहीं कर सकते, मुझे ये क्या करेंगे, हील कर दो, कुछ कर दो भाई। वो तीन थे तुम तीन, और एक अपने घुटनों पे आया हुआ है, दूसरा इंजर्ड है, उसको भी इंजर्ड कर दिया है, वो भी मरने वाला है ऑलमोस्ट, क्योंकि उसके पीछे पड़ा हुआ है। और इसको देखो, ये बाबू भैया बैठ के कर रहे हैं रिपेयर, अबे मुझे आके बचा ले, मैं ले जाऊंगा यार, मैं एक और जनरेटर रिपेयर कर दूंगा, मुझे तुम लोगों ने नूब समझ लिया है क्या? वो देखो बैठा हुआ, भाई मैं हेल्प कर रहा हूँ, मुझे बचा लो, नीड हेल्प, आ जा भाई बचा ले मुझे, बैठा हुआ। लो भाई ये करना था तूने भाई, उसने जनरेटर को भी रिपेयर नहीं किया, वो इतना बेवकूफ़ कि मैंने बोला था नूब बंदे आए हैं मेरे साथ यार, इंतहाई किस्म के नूब बंदे आए हुए हैं, उसको पता ही नहीं है, वो जनरेटर रिपेयर पे लगा हुआ है भाई, जब पता है किलर पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ से निकल जा, आके मुझे रिवाइव दे दे, पर नहीं ऐसा नहीं करना, नूब टीम ही टकरती है मुझे, पता नहीं क्या बकवास है यार ये। हर दफ़ा मेरे साथ ही ऐसा होता है, कोई एक अच्छा ढंग का प्लेयर नहीं मिलता मुझे, मैं सबको चाहता हूँ कि भाई मैं बचा लूँ सबको, मैं हील कर दूँ। अब देखो मैं एक दफ़ा घुटने पे आया हूँ, हाँ माना दो दफ़ा आ गया हूँ, लेकिन फिर भी यार बचाना तो बनता है ना। अब वो देखो वो पड़े तीन नूब के बच्चे, वो देखो वो तीनों पड़े हुए नीचे, बचा लो, लानत है भाई, लानत है तुम लोगों पे, ऐसे थोड़ी होता है गाइज। मैं अब किलर से नहीं मरूंगा, मैं ब्लीड आउट होके ही मरूंगा, मैं अभी रिंग की अपनी पावर कर रहा हूँ, मेरी हो रही है, जा रही है, ब्लड मेरा ऐसे गिर रहा है जैसे पानी की टूटी खोल दी हो किसी ने। अबे निकल जा सारा ब्लड निकल जा, बस ब्लीड आउट होके मरी, किलर से नहीं मरना। अब मैं ऐसी प्रैंक वाली मौत नहीं मरना चाहता। वो फिर आग मेरे सामने खड़ा होकर डांस करेगा कि भाई जान देखो मैंने तुम्हें मौत के घात पे भी नहीं चढ़ाया और तुम वैसे ही मर गए हो, ये वो। भाई मुझे ब्लीड आउट होके मरने दो, मैं शर्मिंदा होकर मरना चाहता हूँ, अपने खून के अंदर डूबना चाहता हूँ। लो गाइस हम मर चुके हैं, गाइस मिलते हैं अगले गेम प्ले में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गेमिंग फन जोन द वर्सटाइल चैनल वेयर यू फाइंड एवरी वीडियो इन ऑफ एवरी गेम। अल्लाह हाफिज़।